गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारी क्लासेस शुरू हो गई हैं। हाउ आर यू ऑल? आशा करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे अपने घरों में। नाउ आपको इससे पहले एक वर्कशीट मिला था, उसके साथ आपको वीडियो नहीं था, वो वर्कशीट आपको प्रैक्टिस के लिए भेजा गया था। नाउ अब जो वर्कशीट मिल रहा है वो आपका रिविजन टेस्ट है, जो आपने तैयारी करी है उसकी एक बार टेस्ट है कि आपने कैसी तैयारी करी है। तो ऑल द बेस्ट। ये मैं एक बार आपको पूरा रीड करके समझा देती हूँ। अपने आप करना, अपने पेरेंट्स की हेल्प नहीं लेना, पेरेंट्स का काम बाद में है, वो आपके टेस्ट देने के बाद उसे चेक करेंगे ब्लू पेन से और अपना साइन और डेट डालेंगे जब आपने ये टेस्ट किया है। ओके, वन वन मार्क का हर एक क्वेश्चन है, तो 10 मार्क्स में से जितने आपके करेक्ट हैं आपके मम्मी पापा को बोलना कि उतने नंबर डाल के साइन करना है। ओके, 30 मिनट्स में ये वर्क कंप्लीट करना। ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 500। इसमें से कौन से नंबर में 5 का प्लेस वैल्यू 500 है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 318? 318 को यूज करके कितने 3 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं? उन कितने नंबर्स बन सकते हैं, उनमें से एक को चूज करना, ठीक है। व्हाट इज 9000 प्लस 30 प्लस 2 इक्वल्स टू? ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसका शॉर्ट फॉर्म इसमें से कौन सा है वो करेक्ट पर आपको टिक लगाना है। राइट द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ 1000। 1000 का प्रीडिसेसर और सक्सेसर इसमें से कौन सा है उस पर आपको टिक लगाना है। चूज द करेक्ट न्यूमरल फॉर 9325। इसका करेक्ट न्यूमरल कौन सा है उस पर आपको टिक लगाना है। ओके, सिक्स्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड रोमन न्यूमरल? इसमें से कौन सा सही है? ओके, आपको बताया किसको कितनी बार लिख सकते हैं, कैसे लिखना है, वो सारा आपको वीडियो दिया गया, सिखाया गया था वीडियो में, तो उसी तरह इसमें से आप उसको चेक करके बताइएगा कौन सा न्यूमरल सही है। ओके, इन द फॉर्मेशन ऑफ रोमन नंबर्स नंबर सिस्टम देयर इज नो सिंबल फॉर रोमन नंबर न्यूमरल्स में किसका सिंबल नहीं होता है वो आपको पता होना चाहिए, इसमें से कौन सा है उस पर आपको टिक लगाना है। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1000 एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, आपको स्मॉलर डिजिट बता दिया गया है, अभी आपको बताना है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है इसमें से। ओके, Which one is correct? यहाँ पर bigger, smaller, equal to का mark देके numbers दिए गए हैं, वो sign किस जगह सही use हुआ है उस पर आपको tick लगाना है। Okay? Choose the largest 4 digit number formed by following set of numbers। आपको यहाँ 8590 दिया गया है, इसमें से आपको इस numbers के साथ आपको लार्जेस्ट 4 डिजिट बनाना है, वो इसमें से कौन सा है उसको करेक्ट पर आपको टिक लगाना है। यहाँ पर ये 10 क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। अच्छे से पढ़ाई करी होगी आपने छुट्टी में, मेरी उम्मीद है। सारा काम कॉपी का किया होगा आपने, जो भी आपको वर्कशीट और पहले दिए गए थे वो सारे आपको कॉपी में करना था, मेरी आशा है आप सबने किया होगा। ओके, अभी ये टेस्ट आपको क्लास वर्क कॉपी में ही करना है, पेरेंट्स को बोलना ब्लू पेन से चेक करना है और अपने साइन डालकर डेट डालना है। ओके, नाउ ऑल द बेस्ट, थैंक यू।